शम्म इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अगर आज शाम तक तुमने अपना बच्चा गिराने की कीमत अदा नहीं की तो मैं खुद आकर तुम्हारे पिताजी को सब बता दूंगी। याद रहे, आज शाम तक हुजूर की खिदमत में आदाब बजा लाता तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? आपका ये नाचीज बंदा अपनी मर्जी से ना कहीं आता है और ना ही कहीं जाता है। मुनी जान इंतजार कर रही है बाहर। क्या? सलाम अर्ज किया है, पूछ रही है मुलाकात आपसे करें या बड़े ठाकुर से। बड़े ठाकुर के कान में इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आओ। आदाब मुनियान, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारे पिताजी के दर्शन करने और अपने दर्शन देने। नहीं नहीं मुन्नी जान, गजब हो जाएगा। वादा शाम तक का था हुजूर, बंदी अपने खौल से आजाद है। लेकिन मुन्नी जान, मेरे पिताजी ने मुझे रुपए देने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं करेंगे, शरीफों की इज्जत पैसों से ज्यादा कीमती होती है हुजूर। देखो मुन्नी जान, तुम्हें तो रुपया मिल जाएगा लेकिन मेरे पिताजी मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे। ये तो आपकी बदनसीबी है हुजूर। हमारे धंधे के कुछ उसूल ऐसे हैं, दूसरों की तकदीर बिगाड़ कर ही अपनी तकदीर बनाते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो मुन्नी जान, चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें रुपए पहुंचा दूंगा। एक हफ्ता? एक दिन और मिल सकता है, ये आखिरी वादा है। इसके बाद बंदी बगैर इत्तला किए बड़े ठाकुर से मिलने पहुंच जाएगी। चलो जुमन। सुनो, ये तो बहुत कम वक्त। कम वक्त? चलो मिला तो सही आपको। याद रहे, कल तक आना। तुम्हारा तीर निशाने पर ही नहीं, उसके कलेजे में धंस गया है जानी। रुपयों के लिए वो चोरी तो क्या, खून भी कर सकता है। जाओ जाओ, लोहा गरम है, मारो आखिरी चोट। शाबाश। शाबाश मेरी जान, दुम दबा के। बंदी का नाम मुन्नी जान है हुजूर, दुम दबा के नहीं। जानता हूँ जानता हूँ, लेकिन ये हमारा स्टाइल है, तकिया कलाम। चलो जुम्मन, आज रात एक ऐसा फल पकेगा जिसे हम जिंदगी भर खाएंगे। हाँ जरूर खाओगी, लेकिन जिंदा रहोगी तब। क्या? सुबह हो जाए तो चिराग बुझा दिए जाते हैं मुन्नी जान। तुम्हारी जरूरत यहीं तक थी। नहीं भरोसे। मेरा क्या कुछ रहा है? गेहूं के साथ साथ घुन भी पी जाते हैं जुम्मन मियां, दुम दबा के। ये तो बहुत बुरी खबर, पड़ी जाती है। अरे ये कोठे वालियां होती है ऐसी, हरामजादी, मतलबी, लालची, धोखेबाज। अरे तुमने उसे लाखों रुपए खिलाए फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। भैरव सिंह, कोई रास्ता निकालो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी मदद करो यार। छोटे ठाकुर, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी राजा से रंग बन गया हूं, तिजोरी खाली हो गई है और जमीन जायदाद गिरवी पड़ी है। अगर मुझे बेचकर तुम्हारी समस्या हल हो सकती है तो तुम्हारे सर की सौगंध, बेच दो मुझे चौराहे पर खड़ा करके। जानता हूँ मेरे दोस्त, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, इतना सारा रुपया कहाँ से लाऊं? कहते हैं हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है। तो फिर निकालो कोई हल मेरे दोस्त,
मुझे रुपया चाहिए किसी भी हालत में। नहीं, तुम्हारी समस्या का हल है हमारे पास, सिर्फ कल का ही नहीं, जिंदगी भर ऐश करने का इंतजाम। जिंदगी भर ऐश करने का इंतजाम? वो कैसे? शिवजी की मूर्ति पर सजाए हुए गहने। तुम हमारे खानदानी मंदिर की बात तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल ठाकुर, बिल्कुल। शिवजी की मूर्तियों पर सजाए हुए वो करोड़ों के गहने तुम्हारे ही तो है, वो किस दिन काम आएंगे? चोरी चोरी, वो भी भगवान के घर? नहीं नहीं, ये पाप है, ये पाप है ठाकुर। दोस्त बड़ा है या भगवान है? सोच लो ठाकुर, भीख या ऐश, जिल्लत या इज्जत। और मेरे प्यारे दोस्त, चोरी वो होती है जो पकड़ी जाए, तुम पर तो कोई शक ही नहीं कर सकता। आम के आम, गुठलियों के दाम। ठाकुर मारो हाथ दुम दबा के, मारो। पार्वती, ऐसा पार्वती, संभाल के, संभाल के। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आइसा, पुजारी जी। अरे भाई, इतनी रात गए, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? क्या बात है भाई? हम पे दया करो महाराज। क्या हुआ, क्या चाहिए? महाराज मैं एक सपेरा हूँ, ये मेरी घरवाली है, 9 महीने के पेट से है, अचानक इसे पीड़ा शुरू हो गई महाराज। पार्वती, पार्वती घबराओ मत बेटा, अंदर चलो भाई, ने अंदर ले चलो। हाँ जी, संभाल के, आहिस्ता, संभाल के, आहिस्ता। घबराओ मत बेटा, यहाँ कोई औरत नहीं है, मैं गांव जाकर दाई ले आता हूँ। घबराना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। घबराओ मत पार्वती, भगवान अपने साथ है। पार्वती, पार्वती। पुजारी जी, आप चलिए, हम दाई माँ को लेकर मंदिर आते हैं। भाई जल्दी पहुंचाना। हाँ हाँ पुजारी जी, आप चिंता ना करें, हम जल्दी आ जाएंगे। भगवान सबका भला करे। लगता है भयंकर तूफान आने वाला है। भगवान की कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। बेचैन हो रहा है? देख, शिवजी ने मुझे बेटा और तुझे भाई दिया है, अब तो अकेला नहीं रहेगा, मेरा मुन्ना तेरे साथ खेलेगा, समझा? जय शिव शंभू, जय हो।
समय। हे भगवान, नाग देवता के हीरे चुरा लिया आपने? नहीं नहीं, ऐसे सब मत उठाओ, ये तुम्हारे पुरखों का मंदिर है। पास मत करो, पास मत करो, पास मत करो। चोरी करता है, इतना बड़ा पाप हराम सर। तो मेरे बाबा, क्या गुड्डा, मेरे पति ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अबे उल्लू के पट्टे सिमर का। कौन सिमर कहाँ है? वालों से ये मालूम है। मेरे बच्चे किस होगा? मैं निर्दोष हूँ मेरे बाप। ये ऐसे नहीं मानेगा ठाकुर, मार दो इसे। भगवान की दी छोड़ दो। चोर गई। तू हट जा पार्वती, तू हट जा। अगर तू भी मर गई तो इस बदनसीब को कौन संभालेगा? हट जा समीरन। तू हट जा पार्वती, हट जा, हट जा। रघुवीर, रघुवीर, क्या हो रहा है? मेरे पति को बचा लीजिए, ये निर्दोष है, बचा लीजिए। रघुवीर, ये क्या कह रही? पिताजी, इस कमीने ने हमारे मंदिर से हीरे और जेवरात चुरा के पुजारी की हत्या कर दी है। ये झूठ है बड़े ठाकुर, मेरा आदमी बेकसूर है। ये झूठ बोल रही है पिताजी, इसका आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये रहे चश्मदीद गवाह। हाँ माई बाप। हाँ, हमने अपने आंखों से देखा सरकार। पापी तो पहले तो शिव भक्त होते, तुमने शिव मंदिर में ही पाप किया, भगवान तुम्हें इस पाप की सजा जरूर देगा। चलो रघुवीर। पार्वती, पार्वती, मेरा अंतिम समय आ गया। हाँ पार्वती, लेकिन पार्वती मेरे माथे पे लगे कलंक को जरूर मिटाना, वरना वरना मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पार्वती, शांति शांति नहीं मिलेगी। पार्वती, एक रोज होगा इंसाफ होगा, ये खून हरगिज नहीं माफ होगा। Oh, my God.
खुश नसीब है बेटा, भूख के लिए रो तो सकता है और ये बेजुबान जिसे तेरे बाप ने बेटे की तरह पाला, दो दिन से भूखा है, बेचारा रो के शिकायत भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब मैं बहुत बेसहारा हो गई हूँ, इसे ही पालना मुश्किल हो जाएगा। तुझे तुझे कैसे पालूंगी मैं? जा, जा मेरे बच्चे, जा, चला जा, को देखकर मैं तो घबरा गया था। अगर राज खुल जाता ना तो हम तीनों बर्बाद हो जाते दुम दबा के। अरे नीचे वाला बाप माल नहीं देता तो क्या हुआ, ऊपर वाला बड़ा बाप तो है ना।
एक ही झटके में माला माल कर दिया। वो सचमुच बड़ा ग्रेट है यार। कुछ हमारी भी तारीफ करो, हम भी ग्रेट है। अरे हाँ यार, तू भी ग्रेट है। अब एक ही समस्या बाकी है कि इतने महंगे जेवरात बेचेंगे कैसे। इसमें क्या समस्या, कोई विदेशी मिल जाए तो अच्छा है, बड़ी कीमत मिलेगी। कौन है? तू यहाँ क्यों आई है? राक्षसो, भगवान के घर चोरी तुमने की और इल्जाम मेरे पति पे लगाया। पुजारी की हत्या तुमने की और सजा मेरे पति को दी। कुत्ता! ए औरत! बंदूक, बंदूक! अपने पति के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी। जान अतुल भाल कुराड़ी खत्म कर दी है। कुछ जल्दी मार, कुछ जल्दी ये करने, जल्दी जल्दी मार, हाँ जल्दी मार, जल्दी। रघुवीर, अरे ठाकुर, मेरा पति निर्दोष था, चोर ये तीनों है, हत्यारे ये है। मैं जान गया, बदनसीब औरत, मैं सब जान गया। कमीने, अगर तुझे डाका ही डालना था तो अपने बाप की तिजोरी पर डाला होता। तुझे हत्या ही करनी थी तो मेरे कलेजे में थोड़ा घोर किया होता। भगवान से छल किया तुमने, एक ब्राह्मण की जान ले ली तुमने, बेकसूर गरीब सपेरे को ताफा ताफा के बाहर डाला तुम लोगों ने। मैं भी तुम सबको पुलिस के हवाले करता हूं। पुलिस फांसी आपके मुंह पे छोटे ठाकुर, फांसी फांसी। तो अपनी उम्र जीत चुका है छोटे ठाकुर, एक जान के बदले में तीन जानों का सवाल है। तुम भी कुछ कर सकते हो। फांसी के फंदे से बचना है तो खोद दो उसे कुल्हाड़ी, खोद दो। मारो, सोचो मत, मारो मारो। Thank you.
चलो इससे भी छुटकारा हुआ आपके मुंह में। सपेरन का किस्सा तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब हमें कोई खतरा नहीं। चलो धूम दबा के। ठाकुर रखिए इसे। मुन्ना, मेरा बच्चा कहीं, वो मेरे बच्चे। घबराओ नहीं बहन, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। जी। लक्ष्मी जी, आई देखो कैसा हिल मिल गया है एक की रात में, जैसे मैं ही उसकी माँ हूँ। मुन्ना, आप लोग हमें अपना ही समझो। जी। मैं धर्मा लोहार हूँ और मैं इनकी घरवाली। कल रात ठाकुर रघुवीर सिंह के लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार देना चाहते हैं। घबराओ मत, अब तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। ठाकुर रघुवीर सिंह के जुल्म की आंधी सिर्फ उसके इलाके में चलती है, इस गांव में नहीं। मगर वो मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम तक पहुँचने के लिए उसे तुम्हारे भाई की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अरे ये भाई बहन के प्यार में बच्चे को तो भूल ही गए। भूला नहीं, इसे तो मैं अपने सीने से लगा के पालूंगा, खूब प्यार दूंगा इसे। सूरज? हाँ। ठहर बेटा। क्या है माँ जो तुम हर रोज मेरे माथे पर लगाती हो? वक्त आने पे बताऊंगी। जा बेटा, जा काम कर। आ जा बेटा, मार। शाबाश, शाबाश। शाबाश बेटा, थोड़ा इधर। We'll be right back.
सूरज, सूरज, नहीं बेटा, उधर नहीं, इधर देख, इधर, और लोहे की तरफ, मार हथौड़ा, मार, और जोर से, सूरज, जोर से, और मार हथौड़ा मेरा साथ कहाँ है? यहाँ है, मेरे पास। अरे अरे बेटा, बहुत जहरीला है, काट लेगा वो। अरे ये क्या काटेगा, सपेरेगा बेटा, दांत तोड़ दूंगा इसके। लाओ मेरा सांप मुझे दे दो। पहले तुम वादा करो तुम मुझे बीन बजाने दोगे। अरे हाँ बाबा हाँ दूंगा। ये लो अपना सांप। ये लो बीन। खैर बजाना मत। क्यों, तू क्या करेगी? तेरी बीन पर नागिन की तरह नाचूंगी। तू चक्कर खाकर गिर जाएगी। तो अपनी फिक्र कर, कहीं सांस ना फूल जाए। ऐसा? हाँ ऐसा। तो फिर देखता हूँ। अच्छा बजा।
जीत ही नहीं सकती। अरे जाजा, कचरी जान फिर जाएगी पर हार कभी नहीं मानेगी। मैं भी लोहार की बेटी हूँ, एक दिन मैं तुझे हरा कर ही मानूंगी। ना नवमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी, और इसी राधा ने तेरा तेल ना निकाला तो मेरा नाम भी कचरी नहीं। सूरज को हराने की हसरत हसरत ही रह जाएगी हमारी बेटी की। कितनी प्यारी बीन बजाने लगा है कि सुनने वालों के मन झूमने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी की परछाई तक नहीं। क्यों, क्या तुम अपने बेटे की कला से खुश नहीं हो? नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि उसके जीवन का मकसद संगीत नहीं है। तो फिर क्या है? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। अरे अरे, मैं कहता हूँ कब तक हम ठाकुर रघुवीर सिंह के टुकड़ों पर पलते रहेंगे? कुछ रास्ता रास्ता निकालो यार, वरना कुछ ही दिनों में हम दोनों की हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी आपके मुंह में। हाँ, ये पट्टा जेवरा बेचता क्यों नहीं है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 25 सालों से। 25 बरस पहले ये हीरे जवाहरात लाखों में बिकते, आज उनकी कीमत करोड़ों में हो गई है, और कुछ अरसे के बाद बेचेंगे तो करोड़ों डॉलर में बिकेंगे। और भैरव, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस शहर में बड़े जोरों से चल रहा है और तुम्हारा बेटा लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अभी तो तुम बड़ी बेसब्री की बातें कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा, लेकिन अब क्या हो गया? मेरा कारोबार तो वाकई सातवें आसमान को चूम रहा है। अरे भगवान ने ऐसा होनार बेटा दिया है जैसे अलाउद्दीन का चिराग है, मिट्टी में हाथ डालता है मिट्टी भी सोना बन जाती है। इसलिए तो मुझे वो हीरे जवाहरात का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन अभी भी तो तुम कितना गलत सोच लिया ठाकुर तुमने मेरे बारे में। वो सब तो मैं इस भिखारी के लिए कह रहा था। भिखारी किसे कह रहे हो? भिखारी नहीं तो क्या? क्या हर वक्त पैसों के लिए रघुवीर को तंग करते रहते हो? मेरी हवेली में आकर जितनी रकम चाहिए ना ले जाना, लेकिन दोबारा रघुवीर सिंह को पैसे के लिए तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे क्या हो गया, आपने भी तो अच्छा बोला था। तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। देवरात तुम अपने हिसाब से ही बेचना। चलो संपत, चलो चलो। ओए लुटे, हद हो गई, मैं कहता हूँ हद हो गई। उसके सामने अपने आप को महाराजा बनाकर मुझे भिखारी बना दिया।
मैं कहता हूँ तेरे पास है ही क्या? अरे क्या है तेरे पास जो तू मुझे देगा है? अबे उल्लू, आज नहीं तो कल महाराजा बन जाऊंगा। वो कैसे? संपत, ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी सोने की चिड़िया है और मेरा बेटा बहुत अच्छा शिकारी है। शिकारी? चलो। लेकिन वो तेरा बेटा है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे लड़के के मामा बन जाओ, फायदा ही फायदा है। लड़के का मामा बनना मंजूर है, कहीं तो मुझे अपना मामा ना बना लेना आपके मुंह में। हाँ। नहीं नहीं संपत, तुम मेरे दोस्त हो और बिना वजह मैं दोस्तों की पीठ में खंजर नहीं घोपता। चलो। मेरे पास नोट छापने की मशीन नहीं है, ये बिल हम कहां से चुकाएंगे? मुनीम जी, आप समझाते क्यों नहीं अजीत को कि आजकल हम वो नहीं रहे जो हमारे बाप दादा हमें छोड़कर गए थे? आप उन्हें खुद क्यों नहीं समझाते सरकार? बरसों बाद विदेश में रहकर क्या आए हैं, उन्हें क्या मालूम कि आप सिर्फ नाम के जमींदार रह गए हैं। अब छोटे सरकार आ गए। इधर आओ। सेम द इवनिंग डैड। मैं कहता हूँ इधर आओ। आर यू ओके डैड? ओ ब्लड प्रेशर। मुनीम जी, डैड के लिए डॉक्टर को बुलवाओ। डॉक्टर की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। इधर आओ। आर यू सीरियस डैड? यस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके डैड, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। यस डैड। कमीज से खड़े रहो। मुनीम जी आप जा सकते हैं। क्या बात है डैड, आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, कोई खास बात? खास बात यह है कि इन बिलों को देने के लिए मेरे पास रुपये नहीं है। कम ऑन सिली ओल्ड मैन, ये डायलॉग बहुत पुराना है। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है। किसी बैंक में 100 रुपए है तो किसी में 200 रुपए। तुम्हारी मेहरबानी से हवेली और जमीन भी गिरवी पड़ी है। तो इन बिल्स का क्या होगा डैड? जमींदार का बेटा हूँ, बहुत खर्चे हैं मेरे। इन खर्चों को पूरा करने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता डैड? ठाकुर रघुवीर सिंह के दामाद बन जाओ। Is he for sale? I mean, is his store for sale? उनकी बेटी बिकाऊ है? उनकी बेटी बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ हम है, हम। रेशमा ठाकुर रघुवीर सिंह की इकलौती औलाद है। बाप बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे पटा लो, बैठे बिठाए खजाना हाथ में आ जाएगा, इकलौती वारिस है वारिस। वो लूली लंगड़ी है क्या? अबे गधे, अप्सरा है, लाखों में एक। लाड़ प्यार की वजह से थोड़ी सी तीखी है, और सुंदर ना भी होती तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? तुम्हें तो धन दौलत से मतलब है ना? रईसों के घरों में ऐसी बीवियां मेज कुर्सी की तरह पड़ी रहती हैं। क्या नाम बताया आपने उसका? रेशमा। रेशमा? बीवी रानी आ गई, बीवी रानी आ गई। बीवी रानी आ गई, बीवी रानी आ गई। जी हाँ आ गई। रेशमा। डैडी। हमारी रानी बिटिया आ गई। कैसे हैं आप डैडी? वो क्या कहते हैं बेटा, वो तुम्हारे स्टाइल में ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और तुम कैसी हो? सेम डैडी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देख लेना, इस बार भी फर्स्ट आऊंगी। देखना क्या है, मुझे पूरा यकीन है हमारी बिटिया हमेशा जिंदगी के इम्तिहान में टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेगी। और ये रहा तुम्हारा इनाम। सदेती वो तंतक ताता लगे ना तंतक ते प्याला तेले नाम तपिया। ए लो तर लो बात, दुनिया नाथों के मंदिर दारी है और ये अब तक तो रही है। नाथ पंचमी के दिन नाथ के दर्शन नहीं करेगी, अले नाथ को दूध नहीं पिलाएगी तो मुंह मांगा वर नहीं मिलेगा। इन तो क्या मालूम, अंग्रेजी तो पल्ली है। देती वो तंतक ए बावली। बावली? ये बावली कौन है? तू है और कौन? अले पर हमारा नाम तो हली भली है, फिर ये नया नाम क्यों? इतनी सच धज कर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो दिया ना, दूध पिलाने डाली थी, अब तो ही नहीं पिएगा। तो दूध पिलाने लायक कब से हो गई? किसको दूध पिलाने जा रही है? नाथ देवता को। दिनों ने पति स्थल से दूध नहीं छुआ। हाँ क्या मतलब? बुला मत मानना, आप पढ़ी लिखी गवार हैं। ओए उल्लू की तुम,
गवार किसको कह रही है? बुला मत मानना बीवी, आज नाग पंचमी है, सारी दुनिया दूध लेकर मंदिर जाती है नादों को पिलाने के लिए, लेकिन ज्यादा भीड़ उस नाद को देखने जाती है जो पिछले 25 साल से हर नाग पंचमी के दिन मंदिर तो आता है पर दूध नहीं पीता। हाँ बाकी सब नाद पीते हैं। क्यों वो क्यों नहीं पीता? आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। चल बीबी दी, है ना चमत्कार? भागी को चली आ रही हो? कदम हो गया हुजूर, कदम हो गया। क्या हुआ? डैडी बहुत अजीब बात हुई। वो मंदिर वाला नाग जो दूध नहीं पीता, मुझे देखते ही अचानक मेरे पीछे पड़ गया। नाग? खामोश यार। डैडी, 25 साल पहले मंदिर में कोई चोरी हुई थी क्या? मर गए आपके मुंह में। ये तुमसे किसने कहा? हरी भरी कह रही थी कि इस नाग का उस चोरी से ताल्लुक है। मुझे पता था ये होगा, ये तो होता नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान के घर शराब संपन्न। डैडी, ये कहना क्या चाहते हैं? ऐसे ही बेवकूफ है, 24 घंटे पीने लगा है, कुछ भी अनाप शनाप पकता रहता है। मंदिर में चोरी के वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, फिर मेरा उससे क्या वास्ता? तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है बेटी, निकाल दो इस वहम को दिल से। वो सांप तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसे एक इत्तफाक समझकर भूल जाओ, समझी? जाओ जाओ बेटी, चलो जाओ जाओ। अगर तुम्हें अपनी जुबान पर काबू नहीं है तो सी डालो इन लबों को, वरना तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। We'll be right back.
रही है प्रेम कहानी, प्यास जगी है आग लगी है, प्यास जगी है आग लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही जहर पी लिया तुमने, क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया? मैं सपेरे का बेटा हूं, इस जहर से मेरी जान को कोई खतरा नहीं। आप तो ठीक है ना? मैं तो अच्छी हूं, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? दिल ने कहा कि ये जान तेरी जान से ज्यादा खूबसूरत है, कुर्बान हो जा, तो हो गया। किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हारे दिल ने? हाँ। दिल तो अक्सर धोखा देता है। जन्म जन्म के रिश्तों में विश्वास करती हो? पहले नहीं था, अब शुरू हो रही
लो आगे कजरी। नहीं मिला मौसी, कहीं नहीं मिला। सबर कर ले, शेर वेर खा गया लगता है उसे। कजरी, तेरे मुंह में खाक कम बखत, हर वक्त मनहूस बातें बकती रहती है। ढूंढते ढूंढते आंखें थक गई मेरी, आह पैर भी छिल गए, लेकिन पहलवान का कहीं भी पता नहीं। आखिर तो गया कहां? सोने दो ना। मैम साहब, सुबह हो गई है, सूरज सर पर चढ़ चुका है। सूरज सर पर नहीं, सूरज दिल में उतर गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत देर हो चुकी है। ओह माय गॉड, सूरज कल यही? कब? जब तुम बीन बजाओगे। अभी नहीं प्लीज। अरे बीबी रानी, आप आ गई। दादी कहाँ है? सो रहे हैं, नाथ को बाल बाल पूछ लेते, मैंने उल्लू बना दिया। क्या बना दिया? उल्लू। बदतमीज नालायक, बहुत मुँह चढ़ गई है। बीबी रानी, तमीज देती तो मेला दनादा निकलता ही था, साथ में आपकी भी ततिया थली हो जाती, सारी पोल तुल जाती। हाँ। कैसी पोल? झुमके वाली। कौन सा झुमका? अले दिला तो दिया है, पल होत नहीं है। अरे कहाँ गिर गया? माँ शेरनी थी, शेरनी। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ तेरा आशीर्वाद मेरे साथ था, वरना तो। शुक्र है। अबे ओ शेख चिले की छठी औलाद, काफी फेंक चुका, इधर आ। क्या हुआ? रात में शेरनी का कान में झुमका पहन कर आई थी। झूठे कपटी, ये तेरे कपड़े में कैसे आया? जल्दी बता नहीं तो मार डालूंगी। किसका है ये? कौन था तेरे साथ? बोल लुच्चे बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बता, रात भर किसके साथ था तू? जल्दी बता। कजरी कजरी, कभी कभी मुझे तुझसे डर लगने लगता है, कैसी अनाव शनाव बातें करती रहती हो, समझ में नहीं आता तेरे को क्या जवाब दूं। कभी कभी गुस्सा भी आता है। और क्या? और क्या, प्यार। देख लेकिन तू ये उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दे। तो बता ये तेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं मालूम ये मेरे कपड़ों में कैसे आया। नहीं मालूम? हां तू खा मेरी कसम। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खा मेरी। अरे तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम ये कैसे और कब आया। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, लेकिन याद रखना मेरे जीते जी अगर सूरज कजरी का नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। राम राम राम। जजमान, ये कुंडलियां एक दूसरे की बैरी है, ये मेल असंभव है, ये ब्याह नहीं हो सकता। देख बे सिली ओल्ड पंडित, ये ब्याह होगा और तुम्हारा ऐसी बकवास की तो गोली मार दो। लेकिन ये कुंडलियां आपस में नहीं मिलती। तो मिला दो ना पंडित जी। अरे मैं कोई विधाता थोड़े ही हूँ। तो विधाता बन जाओ तुम दबा के। ये लो। बन जाता हूँ, बन जाता हूँ। ये अब क्या कह रहे डैडी? यही कि ठाकुर भैरव सिंह अपने बेटे अजीत के साथ तुम्हें यहाँ देखने आए हैं। मुझे देखने का मतलब? कहीं आप बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। अजीत ना सिर्फ मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है बल्कि निहायत होनहार और लायक भी है। वो नीचे आए हुए हैं, तुम फौरन नीचे आ जाओ। आओ। ए भोपू, बड़ा सज धज के जा रहा है, फिर मैं भी आती हूँ तेरे साथ। तू कहाँ है? पहले बता तू कहाँ जा रहा है, फिर मैं बताऊंगी। क्यों बताऊँ? तो मैं भी क्यों बताऊँ? तो जा जहनम में। तू चल, मैं आई। जहाँ तू वहाँ मैं। देखा जरी? दिखा चिकने। मामा मौसी, तू तू माँ को क्यों आवाज दे रही? तू बापू को क्यों आवाज दे रहा है? अरे इसको देख कचरी, सुबह सुबह तंग मत कर। तंग तो तू कर रहा है, चोर है क्या मन में? चोर? कैसा चोर? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। कजरी से इस तरह पीछा तेरा बाप भी नहीं छुड़ा सकता।
सीधी तरह बता कहाँ जा रहा है, तब मैं तुझे जाने दूंगी। पक्का? हाँ, एकदम सोलाने। बात ऐसी है कि विदेश से कोई अंग्रेज यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए आए, उनको एक सपेरा चाहिए बीन बजाने वाले, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बीन बजाने वाले के साथ उनको बीन पर नाचने वाले भी तो चाहिए होगी। बस हो गया काम, चल। चलते हैं चलते हैं, मगर बात ऐसी है कि देख, वो लोग है अंग्रेज और उनके सामने तो ऐसे फटीचर बन के जाएंगे, देख मैं कैसे चकाचार। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा एक काम करती हूँ। क्या? बापू ने मेरे लिए जो शादी का जोड़ा बनाया वही पहन कर आती हूँ। जल्दी जल्दी आ। अभी गई? अरे आ भी आई। देख जाना नहीं। नहीं नहीं। क्या क्या हरी भरी दीदी, दीदी मैं जा रही हूँ। बर्बाद होता है कि बीबी दी, हुदूर दौली मार देंगे। मार दे दे। नहीं बीबी दी, ऐसा मत करो बीबी दी। सुन, डैडी बुलाए ना तो कह देना मेरे सर में दर्द है, मैं सो रही हूँ। नहीं। और अगर वो कमरे में आए मुझे देखने के लिए तो मेरी जगह कंबल ओढ़ कर सो जाना। हाँ बाय। सो जाओ। अरे आप तो इतनी दी है, मैं इतनी दी हूँ। चौथे में शनि, छठे में मंगल, छठे में मंगल। यजमान ऐसा कुंडलियों का विलाप मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि विधाता ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। वाह पंडित जी वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी। अरे हरी भरी, जरा बिटिया को जल्दी नीचे लेकर आना। पीपी दी नहीं आ सकती। क्यों? उनके दर में दर्द है, वो तो रही है। मैं अभी आता हूँ। आप तब तक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। जी जजमान, अभी निकाल दिया। जल्दी अभी निकालता हूँ। रेशमा, रेशमा बिटिया, रेशमा। क्या हुआ रेशमा बिटिया, बुखार है क्या? अरे तू इतना काम क्यों रही है? इतने सारे कंबल ऊपर ले रखे हैं, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? क्या हुआ रेशमा? रेशमा उठो ना, रेशमा, रेशमा। हरी भरी, रेशमा कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ कहाँ है रेशमा? कैसे जुदा हम करेंगे तुम्हें दिल से, कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। खता ही सही खता हम करेंगे, खता ही सही खता हम करेंगे, कि मर जाएंगे हम करेंगे, कि मर जाएंगे क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत कि जमीन से उठा और हमारे मुंह पर थूक दिया? नहीं डैडी, इसने तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, हम पर एहसान किया है। एहसान? गरीब का अमीर पर, कुत्ते का मालिक पर? बस डैडी बस, मैं आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। तो उसके एहसान की कीमत चुका देती? मुझे खरीदने निकलेंगे तो आपकी दौलत कम पड़ जाएगी। हमसे जुबान लड़ाता है बदतमीज। ठाकुर साहब, मैं आपका लिहाज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप अमीर हैं और मैं गरीब हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि आप रेशमा के पिता हैं। लीजिए। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर सकती हो। एक नीच के हाथों में अपनी इज्जत दे सकती हो, जो ना तो हमारी जात का है और ना ही हमारी जुबान बोलता है। जुबान बदल जाने से इंसान जानवर नहीं हो जाता है डैडी। जात पात ऊंच नीच का फर्क तो हमने बनाए हैं, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं। गंदी नाली में पलने वाले कीड़े को तुम इंसान कहती हो? तुम चाहती हो कि हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए उस गंदी नाली में ढकेल दें, अपने पुरखों की इज्जत पर खाक डाल दें, अपने रुतबे और हैसियत पर कफन डाल दे? अपनी बेटी की खुशियों पर कफन डालना मंजूर है आपको? खानदान और पुरखों के लिए मेरी तबाही और बर्बादी मंजूर है? मेरी खुशी नहीं, मैं ही नहीं रही तो क्या अपनी इज्जत और खानदान का झंडा मेरी लाश पर गाड़ेंगे, शहनाई बजाएंगे मेरी चिता के इर्द गिर्द? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी दुनिया तबाह मत कीजिए। इससे पहले कि मेरी दुनिया तबाह हो, मैं उस हरामजादे को ही मिटा दूंगा। क्या हो गया है बापू इसे? ये बोलता क्यों नहीं?
कहीं ऐसी वैसी चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, मैं जी कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं, कोई सदमा पहुंचा इसे। सदमा? अरे इसे कह के सदमा पहुंचा है? इसकी कोई होने वाली मर गई है क्या? थोड़ी देर चुप भी कर। लो हो गए चुप, तू ही पूछ इस भोप उसे। बोल बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? इस बस्ती में कौन सा ऐसा माइक का लाल पैदा हो गया जिसने तेरे पे हाथ उठाने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा? एक बार उसका नाम बता दे, उसकी लाश लाके तेरे कदमों में डाल दूंगा। तुझे कुछ पता है कहाँ गया था ये? कहता था विदेश से कोई फिल्म बनाने आए हैं, बीन बजाने वाले की जरूरत थी उन्हें, इसलिए उनके पास जा रहा है। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन मुझे धाप दे गया, कौन जाने इसके मन में क्या है। बता बेटा, तुझे मारने वाला कौन पैदा हो गया? ये ऐसे नहीं बोलेगा मौसी, दो मारो खींच कर अभी मुर्गे की तरह बांध देने लगेगा। अरे ओ काट के उल्लू, बोलता क्यों नहीं? आखिर क्या मतलब है इस खामोशी का? कौन सी ऐसी बात है जो तू किसी को बताना नहीं चाहता? अपनी माँ को भी नहीं? बता बेटे, क्या हुआ है तुझे, बता। कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरज रखकर जी, वो कहीं भागा नहीं जा रहा, बाद में आराम से पूछ लेना। पूछे बगैर तो कचरी भी छोड़ने वाली नहीं। मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, मर जाएंगे।
से कैसे जुदा हम करेंगे। कजरी डूब गई लुटिया, कर दिया ना कबाड़ा, पीछे से आवाज दे दी। अरे पगली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों जा रही थी मंदिर? आज पूर्णमासी है मौसी, माँ कहती थी आज के दिन कुंवारी जो भी वर मांगे उसे मिल जाता है। सूरज को मांगने जा रही थी और क्या? अरे जो बिन मांगे ही तेरा है उसे क्यों मांगने जा रही थी? उसे तो मैंने बचपन से ही तुझे दे दिया। सच मौसी? हाँ कजरी। अरे पगली, मैंने तो तेरे लिए शादी का जोड़ा भी बना लिया है। अरे वाह मौसी, तो फिर सिंदूर मैं अभी लगा लेती हूँ। ये क्या किया बापू? नींद से जगा दिया है बेटी तुझे। नींद से? हाँ बेटी, तेरी मौसी तो दूर, अब तो भगवान भी सूरज को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गया। किसका? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी का। क्या बात है मां, तू अकेले बारिश में भीग क्यों रही है? तू पूछा करता था ना कि मैं तेरे माथे पर राख का टीका क्यों लगाती हूँ, और तू हमेशा यही जवाब देती थी कि वक्त आने पर बताऊंगी। आज वो वक्त आ गया है सूरज। जुल्म को इंसाफ की चक्की में पिसने का वक्त आ गया है। इस राख को गौर से देख बेटा, ये राख कोई मामूली राख नहीं, ये तेरे पिता की चिता की राख है। पिता की चिता की राख? हाँ बेटे, भगवान ने अगर मेरा सुहाग छीना होता तो मैं उसकी मर्जी मानकर उनकी राख को अपना सिंदूर समझकर गंगा में बहा देती। लेकिन तेरे बाप की मौत भगवान की मर्जी से नहीं हुई थी, इसीलिए बरसों से इस राख को मैंने तेरे पिता की आत्मा समझकर अपने सीने से लगाए रखा है। उनकी आत्मा तुझसे हिसाब मांग रही है सूरज, बदला ले उनसे जिन्होंने तेरे बाप की हत्या की है। पिताजी की हत्या की गई थी? हाँ बेटे, हत्यारों ने अपना पाप छुपाने के लिए तेरे बाप को मौत की खाट उतार दिया। मैं तो उसी दिन तेरे पिता की चिता में जल के मर जाती, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा करूं ताकि तू उनके माथे पर लगे हुए कलंक को मिटा सके। इसीलिए मैंने तेरी हड्डियों में फौलाद भरा,
तेरा बाप तुझसे अपने खून का कर्ज मांगता है, तेरी माँ तुझसे अपने दूध का कर्ज मांगती है। चला डाल सूरज, चला डाल उन जालिमों को, मिटा दे उनका नामो निशान इस धरती से। खून और दूध का कर्ज अदा कर बेटा, खून और दूध का कर्ज अदा कर। कौन है वो जिसने मेरी माँ को विधवा किया? कौन है वो जिसने मुझे यतीम किया? कौन है जिसने मेरे निर्दोष बाप पर तबादुल किया? ठाकुर रघुवीर सिंह। क्या हुआ, तेरे पांव डगमगा गए क्या? नहीं माँ, मेरे पांव डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। मेरी रगों में दौड़ते तेरे खून की कसम, तेरा बेटा अपने बाप के माथे से ये कलंक जरूर मिटाएगा माँ। अरे एक जमाना था जब हम खुलेआम शेर चीतों का शिकार किया करते थे, कोई पाबंदी वाबंदी नहीं थी। आजकल तो लुबड़ियों का शिकार करना भी मुहाल हो गया। आप तो। अरे बेटी रेशमा। रेशमा कहाँ गई थी? अब जानते हैं मैं कहाँ गई थी। बेशरम गुस्ताख, गोली मार दूंगा तुझे। नहीं ठाकुर नहीं। अरे बेटी की खुशी के लिए तो माँ बाप अपनी जान दे देते हैं, और तुम उसकी जान लेना चाहते हो। भैरव सिंह, इस लड़की ने मेरी नाक मिट्टी में रगड़ दी है, जलील कर दिया मुझे, मर जाने दो इसे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं ठाकुर नहीं, रेशमा को समझने की कोशिश करो। प्यार किया है उसने, कोई जुर्म तो नहीं किया। क्या हो गया तुम्हें भैरव सिंह, दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं चाहता था कि रेशमा मेरे घर की बहू बने, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि उसकी खुशियों में आग लगाकर मेरे घर में उजाला करूं। ठाकुर रघुवीर सिंह, मोहब्बत और नफरत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। मेरी बात मान लो, अपना लो सूरज को। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, सूरज गरीब है इसलिए। अगर तुम्हें उसकी हैसियत मंजूर नहीं है तो ले आओ उसे अपनी बराबरी पर। कब काम आएगी तुम्हारी यह दौलत, बनाओ उसे अमीर। बेटी अपने पिताजी को गलत मत समझना, अमेरिका गरीबी से समझौता बड़ी मुश्किल से होता है। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा, तुम्हारी शादी सूरज से ही होगी। सच? बिल्कुल सच। अपनी जन्मदिन की पार्टी पर सूरज बेटे को हमारी तरफ से बुलाओ। तुम्हारे पिता सबके सामने तुम्हारी और सूरज की शादी का ऐलान करेंगे। खुश? पत्थर पड़ गया आपकी अकल पर, चटिया गए आप, सिली ओल्ड मैन। रेशमा की शादी अब उस कमीने से करवाएंगे? गोली से उड़ा दूंगा सरामजा, देखो। रेशमा की शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। बिल्कुल तुमसे ही होगी, दुम दबा के। आपकी दुम गई जहन्नुम में, मजाक उड़ा रहे आप मेरा? रेशमा और सूरज की सगाई का ऐलान करने के लिए उससे पार्टी में बुलाया आपने, और मुझसे फरमा रहे कि रेशमा के साथ मेरी शादी होगी? ए सिली ओल्ड मैन, आपने मुझे शिकारपुरी समझ रखा है। बेटे एक बात बता। बट बात? ये बताओ ये क्या है? मेरा सर। शतरंज की चाल में एक ही मोहरा ऐसा है जो दाया दिखा के बाया मारता है। बड़े बड़े शातिर इससे गच्चा खा जाते हैं, तू भी खा गया। अबे अकल के दुश्मन, इश्क का जादू तीर और तलवार नहीं उतार सके तो तू क्या उतारेगा? हाँ, वो सूरज की इश्क में पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। उसे अगर उस लड़के से जुदा करने की हमने कोशिश की तो वो जहर खा लेगी या उसके साथ भाग जाएगी। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उन दोनों के अगर ऐसा हुआ तो। क्या करेगा उन टुकड़ों का, ऑमलेट बना के खाएगा या बुर्जी बना के? वो लौंडिया भी हाथ से निकल जाएगी और ठाकुर की दौलत भी। सिली ओल्ड मैन, सूरज के साथ उसकी शादी करा के हमें ठाकुर की दौलत मिल जाएगी ना। किस गधे ने तुझसे कहा कि रेशमा की शादी सूरज से होगी? रेशमा की शादी तुझसे ही होगी और दौलत भी तुझे ही मिलेगी। ए पूछ कैसे? कैसे? दाया दिखाकर बाया मार के। रेशमा सूरज को बहुत नेक और ईमानदार समझती है, सूरज उससे प्यार करता है उसकी दौलत से नहीं। बस हम ये उस पर साबित कर दें कि मामला उल्टा है, सूरज चोर है, धोखेबाज है, तो इश्क का भूत एक मिनट में उतर जाएगा। वो उसे दिल से तो निकाल ही देगी, घर से भी धक्के मारकर निकाल देगी। बदला ले उनसे जिन्होंने तेरे बाप की हत्या की है। दूंगा।
बजाओ बीन, जी भर के नाचना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश होना भी अच्छी बात नहीं है, आंसू निकल आते हैं। आंसुओं के दिन गए सूरज, गए या गए? गए सूरज गए। पापा अब तुम्हारे दुश्मन नहीं रहे। अजीब इत्तेफाक है, वो दुश्मन नहीं रहे और मैं दोस्त नहीं रहा। ऐसा ना कहो सूरज, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। पापा के दिए हुए जख्मों पर पक्का मरहम लगा दो। जिस जख्म पर वक्त मरहम नहीं लगा सका, उस पर मैं कैसे लगा सकता हूँ? नहीं सूरज नहीं, बदले की भावना दिल से निकाल दो, भूल जाओ वो सब और मेरे पापा को माफ कर दो। माफ कर दो? माफ कर दो उसे जिसने गरीबी के सीने में छुरा भोंका हो? माफ कर दो उन हाथों को जिनसे अन्याय और बेरहमी की बरसात हुई हो? माफ कर दो उसे जिसने किसी गरीब पर कोरे पर सागर उसकी खाल खींच लियो? एक निर्दोष का खून मिट्टी में मिला दिया, उसे कैसे भूल जाओ? कैसे? नहीं सूरज, मोहब्बत को नफरत पर कुर्बान मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम आबाद ही कब थे जो बर्बाद हो जाएंगे? बर्बादी चौखट पर कदम रख चुकी है, वक्त का मिजाज बदल चुका है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि वक्त का मिजाज बदल चुका है। पापा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो शर्मिंदा है सूरज, वो सबके सामने प्रायश्चित करना चाहते हैं। सूरज कल मेरा जन्मदिन है, खास तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, वो तुम्हें सबके सामने अपनाएंगे। जिसका मैं हकदार हूं तुम्हारे पापा वो हक खुद देंगे? हाँ सूरज। तो कह दो जाकर ठाकुर रघुवीर सिंह से कि गंगू सपेरा का बेटा उनसे अपना हक लेने आएगा। थैंक यू सूरज, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे रेशमा, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। थैंक यू। अरे विदेश में रहते हुए भी देसी बातें कर रहे हो, पहना दो अपने हाथों से रेशमा के गले। श्योर डैड, श्योर। सूरज, सूरज, जन्मदिन की खुशखबर। थैंक यू। आहा, शमा तो थी, परवाना भी आ गया, लेकिन हुजूर शमा परवाने का ये खेल जरा संभल कर खेलिएगा, जल मत जाइएगा। जलना परवाने की किस्मत है अजीत बाबू, आप अपनी सोचिए, जिसके नसीब में सिर्फ दूर बैठकर तमाशा देखना ही लिखा है। सिली बॉय, हम सिर्फ तमाशा देखते ही नहीं दिखाते भी हैं। आपने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? अपनी औकात से बढ़कर बात मत कर, अपनी आवाज की ताकत मत दिखाइए। जात का सपेरा हूँ लेकिन पेशे से लोहार हूँ। अरे सूरज बेटा कहाँ उलझ गए, चंद दिनों के बाद तो तुम्हारा इस घर के साथ रिश्ता जुड़ने वाला है। रिश्ता तो बहुत पुराना है इस घर से हमारा। आओ तुम्हें अपने मेहमानों से मिलाओ, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपने बारे में बतलाओ। मेहमानों को छोड़िए, आप ही तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारे बारे में तो रेशमा ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब और जानने को क्या रह गया है? वही जो कल तक आप जानते थे आज मैं जान गया हूं। क्या जान गए? यही कि अब आपकी जान मेरी मुट्ठी में है। मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में, क्या कह रहे हो? क्यों रेशमा आपकी जान नहीं है? काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। ठाकुर साहब मैं मजाक नहीं करता। अरे भाई ये ससुर और दामाद में क्या खुसर फुसर चल रही है आपके मुंह में? जरा हमें भी तो बताइए सपेरे साहब की इस महल में घुसने का रास्ता कब और कैसे ढूंढा आपने? क्या शॉर्टकट मारा है झोपड़ी से महल के रास्ते तक दुम दबा के? लेकिन ये सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं।
तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा मैं कत्ल हो के अपने दिल को ढूंढ लूंगा, रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा
दुश्मनों की, मैं अपने दुश्मनों की, मैं अपने दुश्मनों की महफिल को ढूंढ लूंगा, मैं पतले होके अपने कातिल को ढूंढ लूंगा, रास्ता तो मिल गया है मंजिल को ढूंढ लूंगा। रेशमा बेटी, तुम्हारे गले में हार तो बहुत अच्छा लग रहा था, उतार क्यों दिया? मेरा हार? डैडी? मेरा हार कहीं गिर गया? हार गिरा नहीं है अंकल, बल्कि चुराया गया है। इस हवेली में चोरी? मेरे मेहमानों में चोर? पैरों की धूल को अगर माथे पे लगाएंगे ना अंकल, तो यही नतीजा होगा। फंस गया साला आपके मुंह में। बंद कर दो सब दरवाजे, कोई भी बाहर जाने ना पाए, सबकी तलाशी ली जाएगी। अंकल, दरवाजे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी की तलाशी लेने की जरूरत है। अरे क्यों, चोर भाग गया तो आपके मुंह में है? चोर भाग कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि चोर मेरी आंखों के सामने है। कौन है? कौन है वो चोर आपके मुंह में है? वो चोर ये है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये सच है रेशमा। ये रहा। ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, 25 साल पहले एक सपेरे ने ऐसी हरकत मंदिर के जेवरात चुरा कर की थी और उसे आप ही ने बीच चौराह पर कोड़े मार मार कर सजा दी थी। दी थी ना? हो, अगर मेरे अलावा यह हार किसी और ने भी चुराया हो तो उसे भी वही सजा देंगे आप? जरूर मिलेगी। यह रहा आपका हार और ये रहा आपका चोर। ऐसा कैसे पलट गया आपके मुंह में? क्या हुआ ठाकुर साहब, कीजिए इंसाफ, दीजिए इसे सजा, ले जाइए इसे चौराहे पर, पत्थर दीजिए इसकी खाल। सूरज, वो क्या इंसाफ करेंगे जिनके अपने हाथ खून से रंगे हों। तू? ये तो जिंदा है। क्यों, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? मुजरिम कितने भी होशियारी करे, सबूत को जमीन की कोख में दफन क्यों न करते? एक न एक दिन उसका गुनाह उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हूं। दरबार, ले जाओ इस पागल औरत को यहां से, वहां की तरफ हाथ बढ़ा तो काट डालूंगा। खिसक लो बंदू, खिसक लो। सूरज, यही वो तीनों हत्यारे हैं जिन्होंने मंदिर में चोरी की, पुजारी की हत्या की, और अपना जुर्म छुपाने के लिए इन्होंने मेरे निर्दोष पति को मार डाला। आज भरी महफिल में तुझे अपने जुर्म का इकरार करना होगा ताकि मैं अपने पिताजी के माथे लगे कलंक को मिटा सकूं। कर इकरार, वरना सर तेरा धड़ से अलग कर दूंगा, समझे? सूरज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिता को चोर और हत्यारा कहा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ? अगर तुम्हें अपनी माँ पर गर्व है तो मुझे अपने पिता पर अभिमान है। इनके ईमानदारी और बेगुनाही का सबूत मैं हूँ। रेशमा, खबरदार, जो आज के बाद मेरा नाम भी लिया, मर गई मैं तुम्हारे लिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। निकाल दो इन दोनों को धक्के मार कर बाहर। खबरदार कोई आगे बढ़ाता हो, 100 सुनार की एक लोहार की, धर्मा लोहार का हथौड़ा लोहे को सीधा कर देता है। अगर तुम में से किसी एक को भी पड़ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तुमने तो मुझे चेतावनी नहीं दी थी ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें ललकार कर जा रही हूँ। आज से तुम तीनों की जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं।
सारे जेवरात ही वो सबूत है जो हम सबके लिए फांसी का फंदा बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हटा दो इन जेवरात को यहाँ से जल्दी से, वरना कानून तो हमारे गले में रस्सी डालेगा ही, लोग भी हमें मार मार कर हमारा मुद्दा बना डालेंगे आपके मुंह में। जेवर कहाँ गए? रघुवीर सिंह, 25 साल तक तुम हमें चूना लगाते रहे और हम चुप रहे धूम दबा के, लेकिन ये मत समझना कि हमारी खामोशी ने हमें कुत्ते से शरीफ इंसान बना दिया है। हम आज भी कुत्ते ही हैं और उतने ही कमीने कुत्ते हैं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? वाह 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 वाह, सारा माल खुद अकेले ही हड़प कर देना चाहते हो ठाकुर आपके मुंह में हा? अरे इन्हीं जेवरात के इंतजार में तो हमने जवानी से बुढ़ापे में कदम रखा है, और तुम? मेरी बात का यकीन करो यार, जेवरात मैंने यही रखे थे। अबे ओ बड्डे, अभी ये धर्मात्मा की एक्टिंग बंद कर, सीधी सीधी तरह से बता जेवरात कहाँ रखे, वरना। रघुवीर सिंह नाम है मेरा, दोबारा ऊंचे स्वर में बात की तो सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। ओहो, अरे छोड़ो भी ठाकुर, बच्चों की बातों को बुरा नहीं मानते, हमें अब सोचना ये है कि वो जेवरात आखिर गए कहाँ। ये रहे जेवर। रेशमा, खबरदार हो इन्हें अपने पापी हाथ से छुआ तो। ठाकुर ठाकुर समझा अपनी बेटी को। हाँ। बेटी है? मत कहिए मुझे अपनी बेटी, अब बाप नहीं राक्षस है, मैं एक चोर की बेटी हूँ, एक हत्यारे की बेटी हूँ, मेरा बाप ठाकुर नहीं चोर है, खूनी है। ए हज्जा, हमारे रास्ते से इस आग में कूदोगी तो जल जाओगी। इस आग में कौन जलता है सामने आ जाएगा, मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि चोर आप लोग हैं, सूरज का बाप निर्दोष था, पापी तुम सब हो। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ दे मेरी बेटी को। छोड़ देते हैं आपके मुंह में, ले तारे को। बस बहुत हो गया, चलो बंद कर देते दोनों को, चलो चल साले चल, चल लगा लो बंद कर दो। ए चले जल्दी। जी आया। इस कमबख्त चीज को आज ही कुछ होना था आपके मुंह में। जल्दी चढ़ा दो जिप साले पर। दादी, बेटी, दादी, बेटी मुझे, दादी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बेटी, अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वक्त बहुत कम है, मुझे उस सपेरन के पास ले चलो जिसका सुहाग मैंने अपने पैरों तले रौंदा था, जब तक मैं उसके चरणों की धूल अपने अहंकारी माथे पर नहीं लगा लेता, मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, मुझे वो ले चलो बेटी, ले चलो। सपेर सपेर, तुझे इंसाफ चाहिए ना सपेरन, ये ले उठाओ हंटर और दो हमें सजा, ऐसी सजा दो कि हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति देना इंसान के हाथ में नहीं होता ठाकुर, उसी मंदिर के देवता के पास जा जिसका तू अपराधी है। मैं तो तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकती, कभी नहीं, क्योंकि तू मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं दे सकता, इसका बाप इसे लौटा कर नहीं दे सकता, मेरी जिंदगी के वो 25 साल जो दुख के अंधे कुएं में बीते हैं तू उन्हें सुख में नहीं बदल सकता।
जा ठाकुर, इंसाफ तुझे आवाज दे रहा है। पहले तो उसका मुजरिम है, बाद में मेरा। जा, वहीं जाकर मांग क्षमा की भीख। तेरी तकदीर की अदालत वो है, ये नहीं। इंसाफ वो ही देवता करेगा जहां तूने खून का प्रसाद चढ़ाया था। जा, जा ठाकुर। मेरा इंसाफ तो भगवान करेगा, लेकिन मेरी बेटी का इंसाफ तेरे हाथ में है। इसे अपना लेना, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को न देना। डैडी, उस रात मैंने बड़ी आसानी से तुम्हारे सर का ताज उतार लिया था, लेकिन आज इस काबिल नहीं हूं कि तुम तक पहुंच भी सकूं। मुझे तेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है, मुझे मुक्ति दे दो भगवान, मुझे मुक्ति दे दो। धन्य हो प्रभु, बंदूक लाओ जल्दी।
लगता ये वही सांप था जिसका जिसका जिक्र रेशमा ने किया था, और शायद ये वही सांप था जिसने राकेश जी को भी डसा था। आप यहाँ भी मुझे छोड़ेगा, यहाँ भी मुझे छोड़ेगा। अजीत कहाँ है? गॉड, मरने वालों के लिए आंसू नहीं बहाते डार्लिंग। अजीत, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे आंसू पहुँचने। यू शट अप। के किसी भी डॉक्टर के पास उस सांप के काटे का इलाज नहीं है। इसलिए तो महाराज हम इसे आपके चरणों में लेकर आए। मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। जान बचाना बच्चों का खेल नहीं है ठाकुर। वही सांप ये जहर चूसेगा जिसने इसे डसा है, तब ये बालक बचेगा। अब जहर चूसने के लिए उसी नागराज को बुलाना पड़ेगा। एक बात बताना, एक सांप का सपेरे के साथ क्या संबंध होता है? वही जो एक बेटे का अपने बाप के साथ होता है। सपेरा सांप को अपनी औलाद की तरह पालता है, और सांप अपने मालिक को भगवान की तरह पूजता है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि जिस सांप ने आज मेरी जान बचाई, उसी ने ठाकुर रघुवीर सिंह की भी जान ली है। हाँ, मेरे मन में भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का फर्ज चुकाना, मेरे दूध शायद चुकाना। शायद ही वही सांप है जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला था, जिसे मैंने अपना दूध पिलाया था। वक्त की तेज आंधी में
मैं ही उसे भूल गई थी, लेकिन वो हमें नहीं भूला। किसी ने सच ही कहा है बेटे कि इंसान माँ के दूध का कर्ज भुला सकता है, लेकिन जानवर नहीं। आज आज उसने साबित कर दिया है कि मेरा एक बेटा नहीं, मेरे दो बेटे हैं। अपने मालिक का इंतकाम लेकर और तेरी हिफाजत करके वो मेरे दूध का कर्ज उतार रहा है। भोलेनाथ जय नागेश्वर, आपको कष्ट दिया क्षमा करें। कृपया इस प्राणी के शरीर से अपना जहर वापस चूस लें। बुला बेटे, अपने भाई को वापस बुला। मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ? अपने पिता की इस बीन को बचा, वो फौरन आएगा। कौन नागराज को हमारा आदेश मानने से रोक रहा है? नागेश्वर जी हमारा कहना बिना माने लौट गए। लगता है तुम लोग पाखंडी हो, पापी हो। जरूर तुमने घोर पाप किए हैं। ले जाओ इस पाप के बोरे को यहां से। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं बचा सकती। ले जाओ। महाराज, बेटे 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 Thank you.
25 साल पहले तुझे चले जाने के लिए कहकर दुखी हुई थी, क्या करती, बेसहारा थी ना बेटा, खुद अपना पेट नहीं भर सकती थी, तुझे कैसे भूखे मारती, इसीलिए तुझे अपने से अलग किया था। लेकिन अब तेरी माँ बेसहारा नहीं है, अब तू यही रहेगा अपनी माँ के पास, अपने भाई के पास रहेगा ना, हमें छोड़कर तो नहीं जाएगा। अरे भैरव, इतना बड़ा तांत्रिक भी सांप से हार गया, अरे जब तंत्र और मंत्र काम नहीं है तो हम और हमारे हथियार क्या काम आएंगे है? मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है, जागते सोते हर वक्त हर तरफ मुझे सांप ही सांप नजर आते हैं आपके मुंह में। अरे मैं कहता हूँ जान है तो जान है, लुटा दो उन मनु सेवरात को, नहीं तो एक दिन अजीत की तरह वो सांप हमें भी सूख देगा। संपत, अगर दोबारा तुमने ऐसी कायरता की बात की तो सांप से पहले मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, समझे? अरे लेकिन मेरा गला घोटने से सांप तो नहीं मर जाएगा ना? सांप भी मरेगा और सपेरा भी मरेगा संपत। कैसे? इन जेवरातों को पाने के लिए हमने खून की होली खेली है, कई लाशें गिरी हैं, उनमें से एक लाश मेरे बेटे की भी है। जंग का ऐलान हो चुका है संपत, और इस जंग का एक ही उसूल होता है, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हें मौत के घाट उतारे तुम उसकी जिंदगी की डोर काट दो, वरना। हाँ, समझ गया भैरव, इससे पहले कि अपनी जिंदगी का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए मैं उसकी चिता को आग लगा दूंगा। आग? आज पहली बार तुमने अकल की बात की है दुम दबा के। अरे दुम दबी नहीं, तुम खड़ी हो गई है आपके मुंह में। हा? जब बात अपनी मौत की आती है ना तो आदमी के दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाती है, तो मेरी भी खुल गई है आपके मुंह में। हा? से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, समझे? क्या सोच रही है कजरी? तेरा सूरज अब किसी और की जिंदगी का उजाला बन गया है, तेरे हिस्से में तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। जिंदगी भर अंधेरे में घुट घुट के मरने से अच्छा है अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दे। हाँ, एक नया मोड़ दे दे। से बंद है। कजरी कहाँ है? आओ। कजरी, कजरी। Yeah.
कजरी, कजरी, बेटी, कजरी, बेटी, कजरी, भाई कजरी, बेटी, नहीं, नहीं कजरी, नहीं, नहीं कजरी, कजरी, कजरी is yours. Tumhara, Thakur Bhairo Singh. Oh, ye diamond hamara. Oh, thank you very much, Angrez master. Thank you very much. Hum ye temple ka jewelry khareed sakte hai. Abhi khareeda nahi. Are miyan bibi razi to kya karega qazi? Humne becha, aapne khareeda, baat khatam, dum daba ke. What dum daba ke? Kiska dum dabata hai tum? Tum kya humko dum wala bandar samajhta hai? Are nahi nahi, ye to mera takiya kalam hai, takiya kalam. Takiya? Pillow you mean? पिलो का इस बिजनेस से क्या ताल्लुक? अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मेरी आदत है, आदत, हैबिट, हैबिट। ओह सी, डुमडा बाना खाली तुम्हारा आदत है, हैबिट। यस। ओके, दंड का बात करो, हमको तुम्हारा ये ज्वेलरी मांगता, मनी लेकर आया है, लेकिन हमारा एक कंडीशन है, वन शर्त। बोलो बोलो, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, बोलो। तो उसका लाश मांगता। लाश? किसका लाश? उस सांप का, हमको उसे डर लगता। अरे क्या अंग्रेज मास्टर, हा? तुम गोरी चमड़ी वाला भी सांप से डरता है? हम इस ज्वेलरी के वास्ते मनी दे सकता है, लाइफ नहीं, नो जान। अरे वो सांप कुछ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, वो इंजन सांप है, तुम्हारा गॉड लोग का दोस्त, उनके गल में रहता, उनकी पैरदारी करता, हम सब सुना। ये सब कहानियां है, झूठी कहानियां। दीज आर ऑल फेरी टेल्स। डोंट ट्राई टू मेक मी उल्लू का पट्टा, हमको सब मालूम है, तुम्हारे बेटे को किसने मारा? सांप ने। संपत को कौन मारा? सांप ने। ठाकुर रघुवीर सिंह को किसने मारा? सांप ने। और हमारे दोस्त फ्रैंक को किसने मारा? सांप ने। सब इस ज्वेलरी के वास्ते। आई नो, हम उसको हाथ लगाएगा, वो हमको भी मार डालेगा, पहले उसका लाश, बाद में ये डॉलर्स। अरे कहां से लाऊं मैं उसका लाश, हा? उसके सामने तो बड़े बड़े तांत्रिक भी फेल हो गए। फेल हम नहीं हुए थे मूर्ख, फेल तुम हुए थे। तुम? भगत, अगर उस दिन तुम हमें मंदिर की चोरी की बात बता देते तो हम तुम्हारे बेटे को बचा लेते,
मगर तुम तो पानी में पकोड़े तलने आए थे। हम तुझे उस नागेश्वर से बचा सकते हैं और उसकी लाश का इंतजाम भी कर सकते हैं। तो फिर देर क्या है महाराज, पकोड़े पानी में नहीं दूध में तल लेंगे। मगर उस माल का आधा हिस्सा लूंगा, मंजूर हो तो बोलो। ओ, कल तक तो स्वामी बने फिरते थे, आज एकदम से गैंगस्टर बन गए दुम दबा के। माया के लिए मनुष्य क्या क्या रूप नहीं बदलता भगत। हमने कोई अनोखा काम नहीं किया है, मैं बुलाऊंगा उस सांप को। क्या स्वामी जी, उस दिन तुम्हारी बीन पर वो सांप आया तो जरूर था, लेकिन सूरज की बीन पर वापस चला गया था। अब भी ऐसा हुआ तो? अब ऐसा नहीं होगा, अब वही बीन उसे यहाँ बुलाएगी जिस बीन की आज्ञा वो मानता है। लेकिन वो तो सिर्फ सूरज की बीन पर ही नाचता है। तो फिर सूरज ही उसे यहाँ बुलाएगा हमारे आदेश पर। सूरज तुम्हारे आदेश पर सांप को बुलाएगा? नामुमकिन। तांत्रिक नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। माँ के लिए बेटा कुछ भी कर सकता है, ये हिंदुस्तान है भगत। यहां माँ का दर्जा देवी देवताओं से भी बढ़कर होता है। भक्तजनों, सपेरन तू 25 साल पहले तेरे पति के साथ तेरी भी चिता जला देते तो तेरी कहानी उसी दिन खत्म हो जाती और मैं अपने बेटे को नहीं खोता। कोई बात नहीं, जो काम उस दिन नहीं हो सका वो आज करेंगे। तू, तेरा बेटा, दोनों की चिता आज जलेगी, आज। 25 साल से मैंने अपने बेटे के बाजुओं में फौलाद भरा है भैरव सिंह, तू उसे हाथ तो लगाकर देख, जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, तो आज फैसला हो ही जाए। देखा हमारा चमत्कार? मेरी माँ को छोड़ दे कमीने, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ये तांत्रिक का खून है बच्चे, हमारा खून पिएगा ना तो ऊपर से नीचे तक नीला पड़ जाएगा। बजा बीन और बुला अपने नागेश्वर को, गोरे साहब को उसकी लाश चाहिए। लाशों का सौदा होगा पाखंडी, लेकिन नागेश्वर की नहीं, इस पापी की और तुझ जैसे कलयुगी अवतार की। बजा भीन और बुला अपने बाप को, बजा। नहीं नहीं, बोल, बीन बजाएगा? नहीं ये ऐसे नहीं मानेगा, इस बछड़े का खूंटा बदलना पड़ेगा, इसकी मां की खाल उधेड़ दे, तब ये बछड़ा काबू में आएगा। हे, पकड़ ले इसे। ए सपेरन, मार! बोल दे उसे बीन बजाने के लिए। मार मां! बीन नहीं बजेगी चांडा, देवताओं का ये पहनावा देश के बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम जाता है। अरे भाई, ये सौदा आज होकर रहेगा, चाहे जिंदों की जगह लाशें यहाँ से जाए। देख बे बंदरिया के पिल्ले, ना तो अब तू यहाँ से बाहर जाएगा और ना ही तेरी ये माया। चुप साथ के बैठ जा यहाँ, नहीं तोड़ा दूंगा चिलम में डालकर धुएं की तरह। What chillum? What you are? Bloody hell, I'm fussing. बोलती है उसे बीन बजाने। नहीं, हटो। मैं बजाता हूं बीन। बजाएगा है, अब बजाएगा, छोड़ दो इसे। बजा बजा, दुम दबा के बजा।
तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा। मेरे नागराजा तू ना आना भाग जाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना। मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मेरे नागराजा तू ना आना भाग जाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना। मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा। पड़ी है मौत हमारे पथ में खड़ी है, ऐसी मुश्किल शर्त पड़ी है मौत हमारे पथ में खड़ी है, ऐसी मुश्किल सर पे पड़ी है मौत हमारे पथ में खड़ी है। तेरी कसम बड़ी कठिन घड़ी है, घड़ी है। मैं तो जाल बिछाऊंगा, मैं तो तुझे फंसाऊंगा, मैं तो जाल बिछाऊंगा, मैं तो तुझे फंसाऊंगा। मेरे नागराजा तू ना आना भाग जाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना। मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा।
नाग सपेरे की ये जोड़ी तोड़ न दे ये वीर निगोड़ी नाग सपेरे की ये जोड़ी तोड़ न दे ये वीर निगोड़ी नाग सपेरे की ये जोड़ी तोड़ न दे स्नेक गॉड खत्म कर दो इसको स्नेक गॉड प्लीज फॉरगिव मी माफ कर दो मेरा माल दे दो मेरा माल दे दो। हमारा क्रांति का गौर ऐसा क्यों नहीं होता काटिया हम मार जाऊंगा हम नीरा बन जाएगा नाग देवता मुझे माफ कर दीजिए मुझे क्षमा कर दीजिए मैं इन पापियों के साथ नहीं नाग देवता मुझे क्षमा कर दीजिए काटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुझसे ज्यादा जहरीला मैं हूं
Oh, my God.